जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो चार थन होते हैं, उन चार थन में से जो आगे के थन होते हैं, दो पीछे की ओर होते हैं, दो आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के दो थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के दो थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के दो थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहां पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की सात भाग ले लो, मतलब बेलपत्री सात ले लीजिए, सात बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफ़ेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की हो जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो सात गुच्छ हैं, सात जो बेलपत्री के भाग हैं, सात बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, सातों में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, वो शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा, मान पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना, आपस में वापस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूँ, वो भी आदर करूँ, तो मेरा निवेदन है कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए, और हस्तकमल को जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है सीधी सीधी बंद कर सात बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में वो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना, सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में
उस हस्त कमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए, ये शिवलिंग रखा है जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना महाराज, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम करुणा आसक्ति स्नेह बढ़ जाता है, संबंध टूटने की कतार पर। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि मां अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सुख माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दो, दीन बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे, अब यह डोरी मैंने तुमको दे दी, अब यह संबंध आपको निभाना है, अब ये संबंध मेरा। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना। छिड़छिड़ करता है या गलत मार्ग पर चलता है। त्रंबकेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है त्रंबकेश्वर महादेव, तो जब कोई व्यक्ति छिड़छिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का त्रंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र दसवीं की तिथि के लिए, केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? त्रंबकेश्वर महादेव शिव जी का ही। एक और चीज हमारा, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, थोकती मारती खिलाती है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में फैसिलिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो उसके लिए भी त्रंबकेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है त्रंबकेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, उस जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआ कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर त्रंबकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए, उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है, उस जल को त्रंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबह दोपहर शाम 3 बार त्रंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए, 3 या 4 दिन पिलाओगे अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। त्रंबकेश्वर महादेव रहना कि हमें संसार में रहना पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में तो कहां जाएगी छोड़ के, तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी, काय के लिए जाए, वहां कोई संत मिलेगा उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना यही है, बोलो सही है कि गलत है, कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले उसकी शरण में जाऊंगी, पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीओर काय को आओ, तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आ, तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में, संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात के मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं, काय को जाए,
शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा, तो क्या हमारा 2-3 बच्चा, चलो तुम्हारा कितना बच्चा, क्या हमारा 2, कोई क्या हमारा 1, कहीं से पूछो छोरी कहीं कर रही है, बस मन है मेरा मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। उससे पूछा तुम, बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे, बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के कोई मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ, पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी, एक के मुंडा से नहीं निकला, जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी, है साहब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं, पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे, ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा तो खूब जम के बोलो कमाएगा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी खूब कमाएगी, सीए बनेगा मेरा बेटा खूब कमाएगा, ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल 2 साल में एक बार लोगों को काटू पर तू गजब करे रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा, जरा सा सिग्नेचर करा टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा। कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है, ना जाने कितनों को काटती है, कितनों। दोनों में विवाद, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंत्री जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान। बेटा डॉक्टर बन जाएगा क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, नहीं डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन समय